हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केकी किचन पॉइंट। जैसे कि आप सबको पता होगा, फेस्टिवल टाइम चल रहा है और फेस्टिवल टाइम के टाइम विदाउट मीठा का तो अधूरा है। आज की रेसिपी जैसे कि आप देख सकते हैं, लड्डू हैं और लड्डू के बहुत सारे रेसिपी है मेरे चैनल पे, जैसे कि बेसन का, आटा का, ड्राई फ्रूट के सारे रेसिपी है मेरे चैनल पे मौजूद। आप अगर नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिए और मेरे बाकी लड्डू की वीडियोस भी देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है, मैं सूजी और दूध का पाउडर से बनाया, बहुत ही लाजवाब है ये। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया सूजी, 1 बोल सूजी ले लिया और इसे धीमे आँच में बहुत अच्छा से फ्राई करूँगी। और सूजी में तब तक फ्राई करूँगी जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि सूजी अगर अच्छे से फ्राई नहीं होगा तो उसमें कच्चापन रह जाएगा, तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने ले लिया कोकोनट पाउडर, 1 बोल मैंने कोकोनट पाउडर भी इसमें ऐड कर दिया और इसे भी इसी तरह सूजी के साथ ही धीमे आँच में फ्राई करती रहूँगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा खाने में लगता है। अब देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है, कितना अच्छा सुनहरी सी कलर आने लगा है। हमारा जो सूजी है और कोकोनट पाउडर है, दोनों ही बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं यहाँ देसी घी डाल रही हूँ, 2 चम्मच भर के मैंने देसी घी ऐड किया। मीठा बन रहा, देसी घी ना डाले तो फिर खाने में तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर ले लिया, 1 बोल मिल्क पाउडर ऐड कर दिया। यहाँ मैं छेना या ये ऐसा कुछ यूज़ नहीं कर रही हूँ, इसलिए मिल्क पाउडर इसमें डाली हूँ। मिल्क पाउडर का टेस्ट जो है सूजी के साथ मिल के और बढ़ ही आता है, बहुत बेहतरीन टेस्ट आया। अब मैं चीनी ऐड करूँगी, 1 बोल चीनी ऐड कर दिया और मीठा विदाउट चीनी का तो अधूरा है। चीनी जब गर्म में पड़ती है तो धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है, और इसे और ज़्यादा मेल्ट करने के लिए, पूरी तरह से मेल्ट करने के लिए यहाँ मैंने गर्म दूध डाल दिया। गर्म दूध में जो है चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, सूजी भी अच्छी तरह से पक जाएगी, तो हमारे लड्डू जो बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं धीरे धीरे सूजी जो है दूध को सोख ले रहे हैं, सूख चुका है दूध। और यहाँ मैंने मावा डाल दिया, 1 बोल मावा ऐड कर दिया। ये होममेड मावा है, हर मीठा रेसिपी में मैं ज़रूर बताती हूँ, मैं हमेशा घर के मावा यूज़ करती हूँ, बाहर के मावा भी यूज़ नहीं करती, ये मैं खुद घर में बनाती हूँ। अब कितना बढ़िया तरीके से बिल्कुल सूख गया है दूध भी, और ये एक अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें काजू, नारियल और कुछ पिस्ता है जो घर में थे तो वो मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया। आपके पास और भी अगर कुछ ड्राई फ्रूट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब यहाँ मैं 1 चम्मच देसी घी और ऐड करूँगी, जबकि लड्डू जब बनाऊँ तो हाथ में चिपके ना। हमारा जो लड्डू का बैटर है वो बिल्कुल तैयार है। आप अब जो है गैस के फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया, अब इसे ठंडा होने दूँगी कुछ देर तक। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, हल्का गरम गरम जितना आप हाथ में बर्दाश्त कर सकते हो उतना ही गरम रखे और उसी पोजीशन में लड्डू बनाए। यहाँ मैंने एक बर्तन में निकाल लिया, कितना अच्छा लग रहा है देख सकते हैं आप। अब जैसे कि आटा का, बेसन का बनाओ तो इसी तरह का बन के तैयार होता है, सूजी और दूध के साथ भी ये भी इसी बिल्कुल वैसे ही तैयार हुआ है। यहाँ मैंने ले लिया मिल्क पाउडर और छोटे छोटे ऐसे लड्डू के शेप दे दूँगी अब इसे। कहाँ पर
जब मैं लड्डू बना रही हूँ आप देख सकते हो घी कितना हाथ में आ रहा है, अब बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, कितना अच्छा से लड्डू बन रहा है। हमारा लड्डू जो है सारे तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब एक एक लड्डू उठाऊंगी और मिल्क पाउडर में इसे अच्छा से कवर करूंगी, इसी तरह कवर करना जैसे आप देख रहे हैं। सारे लड्डू को एक एक करके ऐसे कवर कर लूंगी। हमारा लड्डू बिल्कुल रेडी है, अब मैं सर्व कर रही हूँ। कितना ज़बरदस्त देख रहा है, देख सकते हैं आप। ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का सूजी का लड्डू, पता नहीं कोई खाए भी है कभी, लेकिन ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप इसी तरह बनाएं, ज़रूर बनाएं मेरे रेसिपी को फॉलो करके। बिलीव मी, ये बहुत ही डिलीशियस टेस्ट था इसका, ज़रूर बनाएं आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करें मेरे वीडियोज़ को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।